पाकिस्तान को बचाना है तो फौरन से पेशतर अदलिया, फौज, हुकूमत और अपोजिशन, इनकी माजराई को खत्म किया जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि उनको नजर आ रहा है कि इंतखाबात को डिले कराने की साजिश की जा रही है और ये साजिश इसलिए की जा रही है, इसके पस मंजर में क्या है। तीन चार पॉइंट्स जो मैंने कैलकुलेट किए हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। एक तरफ हम देखते हैं कि एक इत्तेहादी पार्टी, एक बड़ी जमात कहती है कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात हैं। ये तसलसल से बात चलती रहती है, पाँच छः दिन जोर पकड़ती है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने रबते ना सिर्फ अपने इत्तेहादियों से बल्कि असेंबली से बैठे बाहर लोगों से भी करना शुरू करती है। इमरान खान और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इसमें अभी शामिल नहीं है। इसी तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ये कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब से मुलाकात हो सकती है और कौमी कॉन्फ्रेंस वर्सेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अब जो है एक नया मैं ये कहूंगी कि मंजरनामा पाकिस्तान की सियासत के लिए पेश किया गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है एजेंडे दो ही होंगे, कराची के हालात और बिजली का शदीद तरीन बहरान जिससे मुल्क की आवाम है बदहाल। कौमी कॉन्फ्रेंस अगस्त के महीने में होगी और ये होगी भी कराची शहर में। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि अब तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दीगर जो जमातें हैं उनका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कोई राबता नहीं हुआ, राबता करने का इरादा रखते थे। सवाल ये पैदा होता है, एक सिनेरियो ले लेते हैं, इंतखाबात डिले क्यों कराए जाएंगे, क्या वजह हो सकती है, इसमें किस को बेनिफिट है और किस को नुकसान। अगर तो इंतखाबात जो मैंने कैलकुलेशन की है, मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक अगर ये असेंबली जाती है, अपना टेन्योर पूरा करती है, तो 18 फरवरी 2013 में 5 साल जमहूरियत के पूरे हो जाएंगे। केयरटेकर सेटअप नवंबर 2012 में आ जाना चाहिए। 10 सितंबर 2013 को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का टेन्योर पूरा होगा। 2013 नवंबर में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस का टेन्योर पूरा होगा। क्या ये बात भी है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टॉप गन्स हैं, यानी कि जो ऊपर की एक जो एक कोर ग्रुप की सोच है वो ये कहती है कि इंतखाबात अगर डिले करा लेते हैं तो 5 साल तो मिले ही मिले, इसमें सबका फायदा है, सिर्फ दो लोगों का नहीं और शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी कुछ फायदा हो क्योंकि वो भी पंजाब में हकूमत पर बरजमान है, उनका भी एक हिस्सा है। लेकिन क्या इमरान खान अपनी सुनामी की रफ्तार उस एक साल में भी बरकरार रख सकेंगे, उनको ये सिनेरियो सूट नहीं करता। एएनपी को, एमक्यूएम को, मौलाना फजलुर रहमान को और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को ये सिनेरियो सूट करता है क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी अपने आप को इसी असेंबली से, यानी कि आने वाली असेंबली से नहीं, इसी असेंबली से अपने आप को रीएलेक्ट करवा लेते हैं क्योंकि एक प्रेसिडेंट हमारे सामने परवेज मुशर्रफ का है। यह अलग बात है कि वो आमिर थे और वर्दी में उन्होंने अपने आप को इलेक्ट कराया। इससे एक फायदा होगा, फायदा यह होगा कि पीपल्स पार्टी को एक 5 साल तो मिले मिले, उसके साथ इत्तेहादियों के समेत एक और साल मिल जाएगा। ये वो साल होगा जब मछली का कांटा हलक से निकल जाएगा, वो है पाकिस्तान के 5 टॉप जर्नल और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब जो एमक्यूएम ने तीर चलाया है वो तो है या आसिफ अली जरदारी की कुर्सी बचाने का, या इलेक्शन वक्त पे करवाने का, या इलेक्शन डिले करवाने का, या पूरी जमहूरी बसात लपेट जाने का। एक छोटा सा वक्फा।
वेलकम बैक नाजरीन। ये एक तज्जिया हो सकता है कुछ क्वार्टर्स का, कुछ सहाफियों का, कुछ एनालिस्ट का, कुछ स्ट्रेटेजिस्ट का, लेकिन बहरहाल इसमें बहुत सारी सच्चाइयां भी हैं। शहर कराची का एक बहुत बड़ा मसला और उसके साथ साथ अमन व अमान का भी एक मसला पूरे मुल्क में, और बिजली के बहरान का भी मसला। ख्वाजा इजारुल हसन साहब मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, सिंध के चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर भी हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रुकन हैं। मेहरीन अनवर राजा साहिबा मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम रुकन, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, और आप एक बजात खुद एक लॉयर भी हैं। इकबाल जफर जकरा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं। इसी तरह एएनपी सिंध के सेक्रेटरी जनरल बशीर जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और चार हमारे जो इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि बात हो रही है कौमी कॉन्फ्रेंस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की और गोल में इस कॉन्फ्रेंस की, इसलिए मैं जगरा साहब आगाज आपसे करना चाहूंगी। ये बताइएगा, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो दो तीन बातें की हैं उनका बैकग्राउंड क्या है? वो ये कहते हैं इंतखाबात को एक साल के लिए आगे करने की साजिशें हो रही हैं, और एक कौमी कॉन्फ्रेंस का भी आपने ऐलान किया है जो आप कराची में करेंगे। क्या किस किस्म की साजिश हो रही है? इंतखाबात को एक साल आगे करने से क्या होगा? शुक्रिया जी। देखिए, ये बात कोई नई बात नहीं है जो आप आज कह रही हैं, ये अफवाह बहुत अरसे से चल रही है कि एक ऑप्शन बहुत स्ट्रांगली जो कंसिडर किया जा रहा है वो ये है कि इंतखाबात को एक साल के लिए डिले किया जाए, और उसके जो वजूहात आपने ओपनिंग में बयान किए मेरे ख्याल में उसमें तो मैं अब तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि वैसे ही उस पर वक्त ज़ाया करना होगा। आपने बहुत तफसील में जो रीज़न्स बयान किए हैं यकीनन यही वजूहात हैं जिसकी बिना पर इस ऑप्शन को बेहतर समझा जा रहा है। लेकिन जब आप कौमी मफाद की बात करेंगे और कौमी मफाद के लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन देखेंगे जी, तो मैं समझता हूँ कि इस बात पे गौर करना या इस पे काम करना ये बहुत ही बड़ी गलती होगी मौजूदा हालात में। इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमने रूलिंग पार्टी के नुमाइंदों के साथ भी जब भी बातचीत आजकल टॉक शोज में होती है जी, तो यही बात करते हैं हम कि जी अगर अर्ली इलेक्शंस की बात नहीं है तो फिर कम से कम ऑन टाइम इलेक्शंस तो ज़रूर हों। जिस तरह मुनव्वरा हसन साहब ने उस दिन कहा कि जी अब अर्ली इलेक्शन वाली बातें चली गई हैं, ऑन टाइम इलेक्शन की बातें कर रहे हैं जी। हालांकि अवाम अब भी चाहती है, यकीन करें अवाम आज भी हमसे ये मुतालबा कर रही है कि आप जो हैं आप फ्रेंडली अपोजिशन हैं, खुदा के लिए आप निकलें, आप सड़कों पर आएँ और मौजूदा हुकूमत को मजीद वक्त ना दें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने हमेशा, देखें ये मेरे जो पार्टिसिपेंट हैं इस वक्त मेरे साथ वो भी इतफाक़ करेंगे कि उन्होंने हमेशा बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जो मैंडेट पीपल्स पार्टी को मिला था वो अपना पूरा वक्त करें, लेकिन अवाम की जो एक डिमांड मसाइल की वजह से, खुसूसन आप देख लें लोड शेडिंग जो कि इस वक्त भी आपको याद होगा रमज़ान से पहले ये वादा किया गया था कि रमज़ान में लोड शेडिंग तकरीबन नहीं होगी और इफ्तार और सहर के टाइम में तो खुसूसन नहीं होगी। यकीन करें इफ्तार और सहर के टाइम में लोड शेडिंग जी जी, मैं बिल्कुल आपकी बात पे जनरल साहब यकीन करती हूँ। आवाम को जाहिर है ये एक बहुत बड़ा मेजर इरिटेंट तो है, ये हम ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये हम ये इस पे तो हम बेशतर प्रोग्राम्स। मैं खाली एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, जो तीन चार चीजें मैंने कही थी, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लगता है एक साल कॉन्स्टिट्यूशनली वैसे ये ले सकते हैं? अगर ये ले लेते हैं तो क्या यही चीजें होंगी कि सदर का इलेक्शन, चीफ जस्टिस का इस्तीफा, ये तीन इस फॉर्मूले पे काम हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनली तो आप इन चीज़ों पे नहीं डिले कर सकते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि अगर हालात ऐसे हालात हो जो कि इलेक्शंस के लिए इमरजेंसी हो या और कुछ हालात ख़राब हो जाएं, जो हमारे मुल्क में हालात ख़राब तो हैं, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ ये एक फिर एक इन द बैकग्राउंड ये बात होगी कि जी हालात ठीक नहीं है इसलिए हम इलेक्शंस को पोस्टपोन करना चाहते हैं, लेकिन उसके पसपर्दा जो आपने वजूहात बयान की, पसपर्दा वही वजूहात हैं जिसके लिए इस ऑप्शन को कंसीडर किया ठीक है। सो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये समझते हैं कि ये ऑप्शन है, इस पे बातचीत हो रही है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब आपसे मैं झगड़ा साहब की गुफ्तगू सुनिए, मैं भी मेहरीन साहब से बात करूंगी, लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ कि ये जो तीन चार ऑप्शन जिसपे स्ट्रेटेजिस्ट भी बात कर रहे हैं, एनालिस्ट भी बात कर रहे हैं, लिखा भी जा रहा है,
ये वजह हो सकती है एक? देखिए पहली चीज तो मैं झगड़ा साहब मोहतरम है मेरे, लेकिन मैं इनकी बात में सिर्फ एक जुमला जो आपकी इनकी पूरी बात का जवाब होगा। अगर इलेक्शन की सूरत हाल अब है, महीने बाद है, अब होंगे तो किसका फ़ायदा होगा, बाद में होंगे, ये तो वो मफरूजात है जिसमें हम सब और आप बात कर रहे हैं, जो कैलकुलेशंस आपने की हैं। मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि कोई भी इस मुल्क में जमहूरी पार्टी इलेक्शन की मुखालफत नहीं करती, क्योंकि सब इलेक्शन से ही हुकूमत में आते हैं, इलेक्शन ही वाहिद जरिया है। और हम रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, और आपके पास सूबे पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप और सबसे बड़ा मैंडेट है वहाँ का। बल्दियाती इलेक्शन तो किसी भी सूबे में नहीं हुए, किसी भी सूबे में नहीं हुए, और 4.5 साल गुजर गए, बशमूल हम खुद इस बात पे ठीक ठाक हमने इस बात पे प्रोटेस्ट किया। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इलेक्शन सिनेरियो की, मैं अभी नेशनल से नहीं हुआ। ये सवाल तो अब आप झगड़ा साहब से पूछ, यहाँ भी नहीं हुए ना, कहीं नहीं हुए। जुलाई के महीने में 180 लोग कराची में हलाक हुए। ट्राई टू गेट माय पॉइंट कि द सिचुएशन इज आइडियल इन एनी प्रोविंस, तो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट हो जाने चाहिए, डिड नॉट टेक द इलेक्शन, नंबर वन। आज दूसरी बात, नहीं हम यहाँ भी हो जाने चाहिए थे। देखिए बात को सिर्फ समझें, जहाँ अपने इख्तियारात की बंदरबांट की बात हो तो वहाँ वो चीज जायज है। अब जहाँ हम बात कर रहे हैं, मैंने तो कहा है कि इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी को भी ये शायद सूट करेगा, क्योंकि पंजाब में उनकी हुकूमत है। मैं आता हूँ अब मेन पॉइंट पर, ये तो मैंने जवाब दे दिया, इसको वो क्लेरिफाई करेंगे। ये पहली दफा कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने बयान नहीं दिया है, दिस इज द सिक्स्थ स्टेटमेंट, ये छठी दफा बयान है। अगर आपको मैं याद दिला दूं, इस मुल्क में उन्होंने सवात वाकये के बाद पहली दफा कहा था कि जनाब पूरे मुल्क के तमाम सियासी मजहबी रहनुमा और स्टेक होल्डर एस्टेब्लिशमेंट को बिठाकर आप एंटी टेररिज्म पॉलिसी डिजाइन करें और पूरे नेशनल लेवल के ऊपर उसको डिजाइन करें और ग्रास रूट लेवल तक लेके जाएं, नंबर वन स्टेटमेंट। नंबर टू, एबटाबाद के ऊपर आपको याद होगा बयान भी आया, और हमने एक रेफरेंडम भी कराया जिसके क्वेश्चंस के ऊपर आपने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी किए और क्रिटिकली उन क्वेश्चंस को भी लिया, जो एबटाबाद का वाक्य 2 मई का हुआ जिसमें उसामा बिन लादेन वाला वाक्य हुआ, उसका उस आज के सिनेरियो से क्या मतलब? देखिए उस वक्त भी अल्ताफ भाई की डिमांड थी प्रो सिनेरियो, आप सिनेरियो के बाद का आपने बात की ना। नहीं ख्वाजा इजाजुल हसन साहब, अगर आप पॉइंट पे आ जाए, देखिए अभी आपने एक बहुत बड़ी बात की है कि एक्सटर्नल थ्रेट है, अफगानिस्तान से हमला हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट माइक मोलन, वो भी आपको याद होगा। फोर्थ स्टेटमेंट सलाला के बाद, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस के टकराव में भी अल्ताफ भाई का बयान आया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल एजेंडा, ठीक। और अब जो 19 जुलाई को जो बयान आया है उसमें भी मेन हेड्स हैं क्या? क्या बात है मेन? नंबर वन, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द होल कंट्री, जिसके अंदर इंटरनल आपके और फॉरेन रिलेशंस को भी मद्देनजर रखते हैं, कराची एंड बलोचिस्तान। नंबर टू, आपका फॉरेन रिलेशन जो इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिक सेंसिटिव हो चुका है एज कंपेयर्ड विद द अफगानिस्तान, चाइना, ईरान एंड नेटो फोर्सेस, ये पूरा लेक्चर अल्ताफ भाई ने दिया। आखिरी पॉइंट उनका क्या है? इकोनॉमिक सारी मैं इन तीन चीजों पर हम मानते हैं। इसमें हर्ज क्या है कि अगर आप इलेक्शन के ऊपर बहस करें और इस बात पे गौर करें कि किसका किस वक्त फायदा है, व्हाई नॉट कम ऑन दिस पॉइंट? पहले तो हम इस पे आ जाएं, हो क्या रहा है? कहां आ जाएंगे? आपके पास असेंबली है ना आने के लिए? देखिए आप भी तो हमारे पास तो असेंबली है, लेकिन इस असेंबली में होते हुए भी हुकूमत में मौजूद लोग जब सड़कों पर जाके धरने दें, और बात ऐसी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने आपके ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, जिन्होंने आपके नेटो सप्लाई के खिलाफ धरने दिए, वो असेंबली में तो नहीं है, उनको कौन ऑन बोर्ड लेगा? तो आपने अभी तक उनमें से किसी से भी नहीं रابطہ किया ना? नहीं, सिर्फ जमात इस्लामी के शेख रशीद साहब से हमारा रابطہ हुआ, जमात इस्लामी से रابطہ हुआ।